प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फ्रेंड्स, ये देखो मेरे कच का रेगिस्तान कितना मस्त लग रहा है ना। हाँ यार, मस्त है। हाँ। मेरा प्रोजेक्ट तो हो गया। सुनो, तेरा प्रोजेक्ट क्या है? मुझे कोल्हापुर का पन्हाला फोर्ट, वाओ कितना बड़ा है, और शाहू म्यूजियम के पिक्चर्स डाउनलोड करने हैं। वाओ सोनू, तुम्हारा प्रोजेक्ट भी हो गया। थैंक यू टप्पू, तुम्हारे कंप्यूटर की वजह से मेरा प्रोजेक्ट हो गया। अरे सोनू, उसमें थैंक यू क्या, ये कंप्यूटर मेरा नहीं, पूरी टप्पू सेना का है। अरे दया। हाँ बोलिया। वाह क्या बात है। थैंक यू। अरे खा करे की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ मजा आ गया। क्या मेथी का खाखरा है? का अहमदाबाद से मंगा है? नहीं नहीं, अहमदाबाद के नहीं है, मुंबई के। अच्छा, मुंबई में कहाँ से लाए? मुंबई के गोरेगांव के गोकुलधाम सोसाइटी का बी विंग का फ्लैट नंबर 103 में बनता है। अरे मतलब यहाँ बनता है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। लुच्चे, तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? ला ला ला, तीन चार ला, तीन चार ला। हेलो। हाँ नट्टू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। कल रात को दम आलू खा के मजा आ गया। अरे अभी तक उसका स्वाद मेरे मुंह में घूम रहा है। अच्छा आज क्या खिला रहे हो बोलो? मैं बताऊँ, दाल ढोकली खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। ए, दाल ढोकली किधर फोन लगाया? पद्मावती भोजनालय में। आप कौन बोल रहे हैं? अरे जेठालाल बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? तो काका आपने घर पे फोन लगाया है। रॉन्ग नंबर। रात भर दम आलू का स्वाद घूमता रहा तो सुबह से पद्मावती भोजनालय दिमाग में घूम रहा होगा, उसमें लगा दिया फोन। टप्पू के पापा, खाखरा तो खत्म हो गया है। कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं अभी बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, उतना टाइम नहीं है, मुझे दुकान जाना भाई। देखिए देर नहीं लगेगी, फटाफट खाकर बना के लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, तो बना आराम से बना, कल खा लूंगा। टप्पू के पापा सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपने खाखरा मांगा और मैं दे नहीं सकती। अरे लेकिन मैं कहाँ हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ कर जा रहा हूँ, रात को तो वापस आ जाऊंगा। लेकिन आपने खाए होते तो। ठीक है भाई, ठीक है, चलो। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दुल्हन ये दुनिया। टप्पू के पापा जल्दी जल्दी ऊपर आइए। अरे जल्दी ऊपर आइए ना। क्यों क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं है, खाखरे मिल गए।
मैंने आटा लेने के लिए आटे का डब्बा निकाला तो पीछे क्या देखा? खाखरा का दूसरा डिब्बा। मतलब अब खाखरा है, अब मन भर के खाखरा खा सकते हैं। चले चले जल्दी ऊपर आइए। खाखरा मिल गया ना? तो अभी संभाल कर रख, कल सुबह खा लूंगा। अरे अरे सुनिए, 2 मिनट लगेगी, अब खा लीजिए ना। दया शांति रख, ये खाखरा मैं नहीं खाऊंगा तो कोई नबड़ाई नहीं आएगी, नहीं मैं चक्कर खा कर रास्ते में गिर जाऊंगा। हाँ कल सुबह खा लूंगा, ठीक है? लेकिन दया बात को समझो, लेट हो रहा है दुकान जाने में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पपीता जी, अब इधर वो मैं अपना वो ए अपना पोपट लाल वो बोल रहा था कुछ दीवार में कुछ लीकेज है पानी का। कहाँ? नहीं तो नहीं, झूठा, एक नंबर का झूठा आदमी है पोपट लाल, कितना झूठ बोलता है। और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और कहाँ जा रहे हो? दुकान? हाँ चल रहा है जी। नहीं मतलब दुकान दुकान ही जा रहा हूँ। भूत नो वास पिपड़े। हाँ नहीं, वो हमारा गुजराती में कहावत है कि भूत जो होते हैं ना वो कहाँ रहते हैं? पीपल के पेड़ में। वैसा हमारा क्या, रोज सुबह उठ के कहाँ जाएंगे? दुकान। बाकी उस दिन आपने मजा करा दिया बबीता जी। कब? अरे वो उस दिन अपना सोसाइटी का प्रोग्राम था वो 25 जनवरी रात का। अरे वो क्या डांस किया आपने, अरे मतलब गजब गजब था है? सब लोग ने बहुत बढ़िया डांस किया लेकिन मेरी नजर आप पे से हटी नहीं रही थी। क्या आप एक एक, एक बोलू आपका बुरा मत लगाना। और जो मैंने देखा ना उस पर से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो बॉडी है ना एकदम फोल्डिंग है। You mean flexible, right? हाँ मतलब वो अंग मरोड़ जो आप कर रहे थे, ए दुनिया ए दुल्हन, मजा मजा आ गया। अरे टप्पू के पापा आप अभी तक यहाँ पर ही हो? इतनी देर में तो आपने 10-15 खाखरे खा लिए होते। नहीं बस जा ही रहा हूँ, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पापा। हेलो। हाय दया भाभी। बबीता जी काम होता है ना तो इनको आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं है। देखा मीना खाल चला गया। अरे आप आइए ना खाखरा खाने के लिए, मजा आएगा। बाद में आती हूँ मैं। ओके बाय। अरे गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग कोमल भाभी। और खाना वाना बना कि नहीं? क्या सब्जी बनाई आज? अरे घर में बिल्कुल सब्जी नहीं है, अभी अनीता आएगी फिर सोचूंगी कि कौन सी सब्जी बनानी है। ओहो, और अगर अनीता आई नहीं तो? हाँ? अच्छा दया भाभी बाद में मिलती हूँ, कुकर की सीटी बजी, बाय। हाँ हाँ मजाक कर रहा था। दया भाभी। हाँ हाँ बोलिए भिड़े भाई। जेठालाल है? नहीं वो तो अभी दुकान पर गया, कुछ काम था। हाँ थोड़ा अर्जेंट था। ठीक है मैं उसे दुकान में जाके मिलता हूँ। एक मिनट भिड़े भाई। हाँ आप दुकान जा रहे हैं? हाँ तो मुझे टप्पू के पापा के लिए कुछ भिजवाना है तो आप ले जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, उसे पूछना क्या है। थैंक यू। तो आप जरा ऊपर आएंगे मैं आपको दे देती हूँ। हाँ अभी आता हूँ। आइए भिड़े भाई। सॉरी हाँ आपको तकलीफ दे रही हूँ। अरे इसे तकलीफ कैसी दया भाभी जी, आपको जो भी देना दे दीजिए, मैं लेके जाऊंगा। हाँ हाँ अभी आई। हाँ। आप 2 मिनट खड़े रहिए। अरे वाह आत्माराम तुकाराम भिड़े आज हमारे घर पे हैं। क्या हुआ टप्पू ने कोई शरारत की? अरे नहीं नहीं चाचा जी, वो जेठालाल। क्या किया जेठालाल ने? नहीं नहीं चाचा जी, मैं जेठालाल से मिलने दुकान जा रहा हूँ तो दया भाभी को कुछ भिजवाना था इसलिए मैं ऊपर आ गया। अरे तो खड़ा क्यों है बैठ। हाँ।
लीजिए, टप्पू के पापा को दे देना। क्या भूल गया जेठिया? नहीं नहीं भूल नहीं गए हैं। क्या है, सुबह टप्पू के पापा को नाश्ते में खाखरा बहुत अच्छे लगे थे, तो उन्होंने ज्यादा मांगे तो मैंने कहा कि खत्म हो गए हैं। फिर जब मैं किचन में गई ना, तब पता चला कि दूसरे डिब्बे में और खाखरा थे। तो अभी भिड़े भाई जा रहे हैं, तो दुकान में उनके साथ थोड़े खाखरा भिजवा रही। चलिए चाचा जी। अरे नहीं नहीं, मतलब मैं निकलता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। अरे आ गए सेठ जी। आ गया भाई, और आपने खाली डाल डोकले? किधर, पद्मावती भोजनालय से आ रहे हैं ना? अरे कहाँ सेठ जी, मैं तो बैंक में गया था। ये सुबह आपने फोन किया था ना, आज बहुत इच्छा है दाल ढोकले खाने की। वो तो ऐसा हुआ सेठ जी कि पद्मावती भोजनालय में फोन लगाया तो गलती से आपका फोन लग गया। बाद में फोन लगा और सेठ जी मैं क्या बताऊं, मेरा मान रखने के लिए आज शाम को वो लोग खास दाल ढोकली बनाने वाले हैं। ए सेठ जी, एक काम करते हैं, आज शाम को महफिल जमाते हैं, आप मैं और दाल ढोकली, एक शाम दाल ढोकली के नाम। ओ दाल ढोकली, चलो चलो बेटा बेटा धंधे में ध्यान दो, चलो। सॉरी। भिंडे, क्या बहुत टाइम के बाद आया ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। और लड्डू काका केम छो? मजे में, आप कैसे हैं? मजे। क्या बात है भिड़े, आज इधर किधर? हाँ आज इधर किधर। अरे भाई तुमसे ही मिलने आया हूँ। क्यों, क्या किया टप्पू ने? टप्पू ने कुछ नहीं किया, वो दया भाभी ने। अभी दया ने कुछ किया? अरे भाई किसी ने कुछ नहीं किया, दया भाभी ने तुम्हारे लिए खाकरा बेचा वो लेकर आया हूँ। क्यों, तुमने आज पेट पर नाश्ता नहीं किया ना सुबह? दया भी कमाल है, उसके लिए तुमको भेजा खाकरा लेकर। ए भाई मैं सिर्फ खाकरा देने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, वो तो मैं अपने पर्सनल काम से तुमको मिलने आ रहा था, इसलिए मेरे हाथ भिजवा दिया। अच्छा अच्छा, ओ थैंक यू बेटा, थैंक यू। सॉरी यार तुमको तकलीफ दिया। अरे इसमें तकलीफ क्या की जेठालाल, कल को अगर माधी तुम्हें कुछ काम बोलेगी तो तुम्हें तकलीफ होगी? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई। फिर मुझे क्या की तकलीफ? अरे खड़ा की वहां आओ, बैठो बैठो। अच्छा अच्छा, बोलो बोलो जेठालाल। मैं कंप्यूटर लेने की सोच रहा हूँ। अरे वाह, थैंक यू। तो उसकी जानकारी देने के लिए मैं आज सुबह मेहता साहब के घर पे गया था, तो उन्होंने कहा कि जेठालाल से कांटेक्ट करो, उसकी पहचान का कोई कंप्यूटर वाला है, तुम्हें अच्छी डील मिल जाएगी। हाँ है ना, हमने लोकेश भाई, बहुत बड़ा काम है उसका कंप्यूटर का, अभी फोन कर देता हूँ। उसमें क्या लोकेश भाई? हाँ हेलो लोकेश भाई। हाँ जेठालाल। अरे भाई अपने एक मित्र है, मेरा पड़ोसी है आत्माराम भिड़े, उसका कंप्यूटर लेना है, तो एक 5 मिनट आ जाता है दुकान में जरा। ओके ओके ओके, अरे अभी इधर बाजू में उसका दुकान, अभी आ जाएगा। और बोलो तब तक क्या चाय भाई, कुछ क्या पियोगे? अरे नहीं नहीं कशाला कशाला। अरे कशाला का? अच्छा चाय रहो जी, अपन कोकम शरबत पियोगे। अरे नट्टू काका। जी सेठ जी। जरा वो फड़के के उधर कोकम शरबत तो बोला। जी सेठ जी, दो बोल दूं ना? अरे नहीं नहीं तीन बोलो। अच्छा आप भी पियेंगे? अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? खेलने। और प्रोजेक्ट? हाँ हो गया, बाय। जाने दो ना माधवी भाभी, वो लोग नहीं सुनेंगे बाबा। हाँ
हाँ वैसे भी बहुत देर से प्रोजेक्ट कर रहे थे तो फिर। अच्छा अनीता, ये 5 किलो टोमेटो मुझे चाहिए। अरे वो 5 किलो आज पाव भाजी लगते है। नहीं, सैलेड के लिए। इतना? खाओ खाओ, सलाद खाना अच्छा होता है। ये दे। अरे माधवी भाभी, फिर भिड़े भाई ने फाइनली कंप्यूटर लेने का फाइनल किया कि नहीं? कंप्यूटर? हाँ, उसी के बारे में जेठा भाई से मिलने गए हैं। क्या है, उनके पहचान के बहुत सारे कंप्यूटर वाले हैं ना? हाँ। इसलिए? अच्छा, तो इसलिए भिड़े भाई टप्पू के पापा को मिलने के लिए दुकान पर गया है। अरे भिड़े बहन, आप मानोगे नहीं, टप्पू के पापा की तो कंप्यूटर में बहुत सारी पहचान है। वो ना? अब देखना, भिड़े भाई को टप्पू के पापा बेस्ट कंप्यूटर दिलाएंगे। वेरी गुड, सलाबर है। वैसे माधवी भाभी, आपका ये कंप्यूटर लेने का डिसीजन ना बहुत अच्छा है। राइट राइट। यू नो, आज के जमाने में कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, घर में कंप्यूटर आ जाएगा ना तो सोनू के साथ साथ इनको भी काम आएगा। हाँ बराबर। अरे सिर्फ भिड़े भाई और सोनू ही नहीं, आप भी कंप्यूटर का फायदा उठा सकते हो। घर बैठे इंटरनेट पे अचार पापड़ दुनिया भर में बेच सकते हो। या वेरी राइट। ओगो भाई, कंप्यूटर पे कैसे अचार पापड़ बेच सकते हैं? क्यों नहीं बेच सकते? देखो, पहले आपको अपना एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा, उसमें आप अपने सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी दे देना और उसके बाद ईमेल्स के जरिए ऑर्डर्स लेते रहना बस। अच्छा, ऐसा आस्ता? मुझे तो पता ही नहीं था। माधवी भाभी, आपको कंप्यूटर चलाना आता है ना? नहीं रे बाबा, लेकिन घर में एक बार कंप्यूटर आ जाएगा ना तो सब सीख लूंगी और दुनिया भर में अचार पापड़ बेचूंगी। यस बात। और कैसा रहा तिरुपति? बेटा भाई, बहुत अच्छा दर्शन हुए। अच्छा, मुझे भी जाना है लेकिन पता नहीं कभी मौका मिलेगा जाने का। लोकेश भाई, इतने 4 कंप्यूटर के बारे में बताया, मतलब एक की कीमत है 27,000, दूसरी की है 23,400, ये 20,500 वाला और एक है 25,200 वाला। मेरे हिसाब से 20,500 वाला ठीक है, नहीं? आप क्या कहते हैं? अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो आपके लिए 23,400 वाला पीस बेस्ट है। 17 इंच का मॉनिटर है, 320 GB हार्ड डिस्क, वो भी DVD राइटर के साथ। आई, वो तो सही है लेकिन 23,400 कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है जेठालाल? नहीं, भाव के बारे में तुम एकदम बेफिक्र रहो भिड़े, ये लोकेश भाई का एकदम मास्टर है उसमें, एकदम रिजनेबल भाव। पूरे मार्केट में ये पीस तुमको ये भाव से कम में नहीं मिलेगा। अगर पसंद है तो दे दो ऑर्डर। तो ये पीस मैं फाइनल समझू? नहीं, फाइनल तो करना ही है लोकेश भाई, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं आपको कल तक फोन करता हूँ। अरे भिड़े भाई, इसमें सोचना क्या, होम यूज के लिए सबसे बेस्ट पीस है, सबसे ज्यादा बिकता है ये पीस। तो फिर ले लो भिड़े, ले लो। हाँ लेना तो है जेठालाल, लेकिन क्या है ना, पहली बार कंप्यूटर ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना। मैं आपको कल तक फोन करके बताता हूँ ना। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जेठा भाई, चलता हूँ, कुछ और हो तो बताना। अरे भाई, तुमको तो पता है कंप्यूटर का कोई भी मुझे इंक्वायरी आता है मैं सीधा तुमको ही फोन लगाता हूँ। वो तो है। ठीक है, चलता हूँ। ओके ओके। और बोलो भिड़े। बस मुझे तो जानकारी मिल गई है जेठालाल, फोन करके बोल दूंगा मैं। वैसे थैंक यू वेरी मच। अरे क्या भाई, थैंक यू। और क्या हो जाए, कोकम शरबत? अरे नको नको, अभी ट्यूशन का भी टाइम हो गया है। हाँ चलता हूँ मैं। ओके हाँ। वो जरा थैली मिलेगी, थैली? हाँ है ना, मैं देता हूँ। सिर्फ 19,200? जेठालाल भिड़े से कमीशन खाने चले थे।
मध्यम वर्गीय परिवार का कोई सदस्य जिसे जिंदगी में पहली बार कोई बड़ी महंगी चीज खरीदनी हो तो वो चाहता है कि उसे अच्छे भाव में मिल जाए, और कोई रिश्तेदार पड़ोसी जान पहचान वाला उसे ये डील दिला दे कि भाई मैं बहुत बढ़िया दिलवा रहा हूँ, और व्यक्ति को ये पता चले कि इससे सस्ते में कहीं अवेलेबल है तो मन में शक की चिंगारी कुल बुलाएगी। यही हुआ है हमारे शिक्षक आत्माराम भिड़े के साथ। जेठालाल ने कंप्यूटर की डील बढ़िया दिलाने का वादा किया और आत्माराम भिड़े को ये लग रहा है कि तो सस्ते में मिल रहा है। अब शक की चिंगारी दिमाग में है कि कहीं जेठालाल ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। भाई अब मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, लेकिन जब भिड़े साहब ये सूचना गुस्से के साथ जेठालाल को देंगे तो क्या होगा, क्या होने वाला ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपके लिए चीजें तय है, आपको तो हंसना है, हमारे साथ ठहाके लगा ले। देखिए तो कंप्यूटर क्या क्या गुल खिलाता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।